हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पोटी साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर फ्रंट ओपन में। तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके लिए मुझे, तो आज स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से लेंथ ले लेनी है। सबसे पहले जो भी लेंथ आप ब्लाउज़ की लेना चाहते हैं, तो 14.5 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेंगे टोटल लेंथ की, क्योंकि 13.5 इंच हमें तैयार करनी है यहाँ पर। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ करके हमने पहले कपड़े को सीधा कर लिया है। बंद भाग तरफ से हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है डीप नेक के, 10 इंच का नेक के पीछे। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच के शोल्डर ले लेंगे। 5.5 इंच शोल्डर ले लिए हैं हमने। यहाँ पर आर्मोस लेने हैं हमें 5.25 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर ज़्यादा आर्मोल्स नहीं लेने हैं, क्योंकि डीप नेक में शोल्डर और आर्मोल्स कम ही आते हैं। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपके बगल में झोल आ सकता है ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से अगर आप 10 इंच से ज़्यादा नेक बना रहे हैं 40 साइज़ में, तो आपको शोल्डर और आर्मोल्स इतने ही लेने हैं। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे 10 इंच और एक यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे हम, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेंगे। अब 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हमें इस तरफ लेना है बाहर की तरफ, और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमें डीप नेक में करना होता है, मैंने पहले की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पीछे की तरफ आपको खिंचाव नहीं होगा ब्लाउज़ में डीप नेक में। तो 1/2 इंच इस तरफ लेकर और यहाँ से आर्मोल्स की गुलाई कर देनी है आपको। तो गुलाई हमने यहाँ पर 1 इंच पर दी हुई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने 1 इंच की गहराई कर दी है आर्मोल्स की, और गोलाई को आप हमेशा अपनी तरफ करके ही करें अगर आप गोलाई प्रॉपर नहीं आती है तो। और इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर कमर की मार्किंग कर लेनी है। कमर 34 इंच है, तो 34 का चौथा भाग ले लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2.5 इंच का ले लेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालते हैं तो मार्जिन नीचे कमर की तरफ आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर नेक के लिए भी बता देती हूँ, नेक विड्थ यहाँ पर लेनी है आपको 2.25 इंच। अगर डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। और नेक की जो लंबाई है वो लेनी है आपको 10.5 इंच, क्योंकि 10 इंच हमें तैयार रखनी है। यहाँ से विड्थ में 3 इंच ले लेंगे। अगर डोरी लगा रहे हैं तो आप 3.5 भी ले सकते हैं, थोड़ा और नेक को फैला सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो जैसी मार्किंग मैंने की है आप ऐसी ही मार्किंग करें यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। आप अपनी पसंद से कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन ले सकते हैं, और इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर हमारा नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में प्लीट्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको कितना इंच लेना है, यहाँ से विड्थ में आपको 4 इंच लेना है। चार इंच पे आप मार्किंग कर लें, और लेंथ में भी 4 इंच ले लें यहाँ से। और 1/2 इंच इस तरफ से लेकर आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है आपको। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट पर है, तो 1/2 इंच नीचे से हमने बढ़ाकर ले लिया है इस तरीके से, और 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी के लिए हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है इस तरीके से। तो बैक पार्ट को 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए आपको रखना है, ये वाली लाइन को छोड़कर बैक पार्ट को रखना है, और यहाँ से शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है
हाफ इंच छोड़कर कि शोल्डर हमारे 5.5 आ रहे हैं या नहीं, और जो बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है, नीचे से हाफ इंच छोड़ के और हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच छोड़ के हमने इस तरीके से बैक पार्ट को रख दिया है और ऐसी ही यहाँ पर मार्किंग कर ली है हमने। बैक पार्ट जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से आर्मोल्स के लिए नाप लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई भी देनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि गोलाई आपको इस तरीके से देनी होती है, पर गोलाई आपको यहाँ पर कट आपको स्टिचिंग के टाइम पर ही करना होता है, जब हम हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद आपको गहराई देनी होती है, क्योंकि पार्ट्स जोड़ने के बाद आर्मोल्स तरफ से छोटा बड़ा होता है पार्ट हमारा, तो उसे हमें छाँट कर बराबर कर देना होता है। यहाँ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आपको, और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देना है। आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है प्रिंसेस कट कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम कटिंग करते हैं तो हमारा जो पार्ट है वो कपड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब आपको देखिए प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से फ्रंट से विड्थ में 4 इंच ले रहे हैं हम, यहाँ से 4 इंच लेना है आपको, और ऊपर लेंथ लेनी है टक्स पॉइंट की 10.5 इंच पे। अगर आप किसी ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपको 10.5 पे लेना है, 10.5-11 पे भी ले सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइट होती है। मीडियम हाइट पे आप 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट लें, और अगर कम हाइट वाली लेडीज़ का ब्लाउज़ अगर आप बना रहे हैं तो टक्स पॉइंट आपको 10 इंच पर लेना है। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेना है, और यहाँ से विड्थ में ले लें आप 2 इंच, और लेंथ में भी ले लें 2 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है आपको इस तरीके से। हाफ इंच जो हमने नीचे की तरफ बढ़ाया था उसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला दें, इतना हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से कट करें आप यहाँ पर 20 से भी इस तरीके से कट कर लें, और गहराई का ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाला पार्ट अटैच करने के बाद आपको आर्मोल्स की हल्की गहराई कर देनी है हाफ इंच की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कर लें, और नीचे की तरफ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे भी इस तरीके से हाफ इंच को कट करके निकाल दें, यहाँ से इस तरीके से कट कर लें। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़कर 2.25 इंच की मार्किंग कर लें। चौड़ाई में 2.25 इंच लिया है, लंबाई में यहाँ पर 7 इंच ले लें, और इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर राउंड शेप दे दें नेक को। कोई और शेप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट भी कट हो गया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स कटिंग के लिए आर्मोल्स नापेंगे यहाँ पर बैक पार्ट के, पीछे के पार्ट के 1.5 इंच यहाँ पर हमने छोड़ दिया है मार्जिन का, और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ दिया है मार्जिन का। ये हमारा शोल्डर अटैच करने में चला जाएगा, उसके बाद जितना आर्मोल्स बचता है उसे आप नाप लें यहाँ पर। तो देखिए आ रहा है यहाँ पर 9 इंच, एक बार फिर से नाप के दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरीके से नापना है, 9 इंच आ रहा है यहाँ पर। इसमें 1/2 इंच आपको प्लस कर देना है, मतलब कि 1/2 इंच आप इसमें मिला दें, तो
तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। अब बचे हुए कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े को अच्छी तरीके से बराबर कर लें और जितनी बड़ी स्लीव्स आप यहाँ पर लेना चाहते हैं कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच की स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से लंबाई ले लेनी है आपको बंद भाग से 5 इंच, और यहाँ पर 9.5 इंच आलमोस्ट जो हमने नापे थे वो ले लेना है। यहाँ पर थोड़ा कपड़ा कम है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको इंच टेप को बाहर निकालते हुए 2.5 इंच पे से डाउन कर देना है। बड़ी स्लीव्स होती है तो 3 इंच पे डाउन करें, छोटी स्लीव्स होती है तो 2.5 इंच पे डाउन करें। और इस तरीके से यहाँ पर तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो आर्मोल्स पीछे के पार्ट पर नापे थे वो ले लेने हैं यहाँ पर आपको 9.5 इंच पे, और 1.5 इंच जो भी मार्जिन आप लेते हैं 1.5 या 2 इंच उसे ले लेना है यहाँ पर एक्स्ट्रा में, और स्लीव्स का शेप दे देना है। तो अगर हम बैक पार्ट का आर्मोल्स नाप कर स्लीव्स कटिंग करते हैं तो स्लीव्स हमारी बराबर आती है, बड़ी छोटी नहीं होती है। तो आपको आर्मोल्स में 1/2 इंच ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई देते हैं तो हमारा आर्मोल्स बढ़ जाता है। और यहाँ पर मोरी का निशान लगाया है मैंने, 14 इंच है तो 7 इंच लिया है, और एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। सेंटर में एक कट लगा लें और इसे खोलकर फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई दे दें। तो गहराई आपको इतनी ही देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्किंग भी कर लें ताकि आपको आस्तीन जोड़ते समय ध्यान रहे कि आपको आगे के पार्ट पर ही अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी पार्ट्स हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। ये मेन फैब्रिक है, इस पर हम इस तरीके से रख कर कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक एक कट कर रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े के ऊपर सभी पार्ट्स रख कर एक साथ इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने अपना बैक पार्ट निकाल लिया है यहाँ पर, इसे बराबर करके कट कर लें। मैं हमेशा मेन फैब्रिक पर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ, उसके बाद स्टिचिंग के टाइम पर इसे बराबर करके हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। तो आप भी जब भी कटिंग करें तो थोड़ा कपड़ा आप मेन फैब्रिक का बढ़ाकर ही लें ताकि पार्ट्स अटैच करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से कट कर लें। तो ये फ्रंट पार्ट कट कर लिया हमने, और ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है। बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कटिंग कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर और भी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।